रश्मि दोषी रश्मि फूड ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आप सभी के लिए मैं आज रायते की रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मी स्टार्ट होने ही वाली है अब, और ये हम बनाएंगे हर्ब्स रायते हैं, जो आजकल काफ़ी हर्ब पॉपुलर है, उसी से हम ये रायता तैयार करेंगे। और एक बेस तो एक होगा, पर उससे हम दो तरह के रायते बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं हर्ब्स रायता। और एक हर्ब्स के साथ में थोड़ी सी हम वेजिटेबल डालेंगे। यहाँ पर मैंने ये दही फेंट के रख लिया है। ये 200 ग्राम दही था, जिसको कि उसमें मैंने बस 1/4 कप पानी डाल के और अच्छी तरह से उसको फेंट लिया है, क्योंकि बहुत थिक था दही इसलिए। और यहाँ पर जो एक बेस बनेगा, आजकल जो पॉपुलर हर्ब्स हैं उनमें बेजिल, पार्सले हैं, दिल भी है, पर मैं वहाँ पर वो नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर दो हर्ब्स का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम सॉल्ट डाल देते हैं दही में, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जो भी आप जितना भी आप खाते हैं नमक। यहाँ मैंने आधी टीस्पून डाला है। साथ ही साथ इसमें थोड़े हम ड्राई वाले हर्ब्स डालेंगे। इसमें दो हम डालेंगे, पहली तो एक इटालियन सीजनिंग है, ये मेरी स्पाइस रैक वाली सीजनिंग है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है, हर्ब्स मिल जाते हैं, ड्राई भी मिल जाते हैं, फ्रेश भी मिल जाते हैं, बड़े शहरों में तो मिल जाते हैं आसानी से। आधी टीस्पून इटालियन सीजनिंग, यदि जीरे और राई और वैसे बोर हो चुके हैं रायते से, जीरा नमक और चाट मसाला वाले, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा और अच्छा टेस्ट आया इसके लिए चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। ये सब मसाले मेरे स्पाइस रैक वाले के हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई पार्सले और ड्राई बेसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं फ्रेश का ही यूज़ करूँगी, उससे ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे रायते में। इसको मिला लें अच्छी तरह से। और इसमें जाएगा ये चीज़ है, ये प्रोसेस चीज़ है जिसको मैंने किस लिया था, ये क्यूब्स वाली है, तो मैंने यहाँ एक क्यूब लिया है इसको, तो ये डाल दें इसमें किसा हुआ। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं आप, मोजरेला भी डाल सकते हैं, आजकल जो डाइस वाले आते हैं वो भी डाल सकते हैं। और जब भी हम हर्ब्स डालें हाथों हाथ ही काट के डालें या हाथ से तोड़ के डालें, नहीं तो वो ब्लैक हो जाएगी। यहाँ मैं अभी नाइफ से काट के डाल देती हूँ, थोड़ा मुझको बारीक चाहिए इसलिए, पर जब सर्व कर रहे हो तभी डालें। ये बेजिल है फ्रेश, और साथ में जाएगा इसमें ये पार्सले। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं रायते को, बहुत टेस्टी लगेगा। बहुत स्ट्रांग फ्लेवर होते हैं इसलिए कम कम डालें। इसमें मैंने बहुत तो वन आधी आधी टीस्पून या एक एक टीस्पून अप्रॉक्स होगा ये, बाकी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिला लें अच्छी तरह से। ये हमारा एक तो बेस तैयार है, एक मैं प्लेन ही इसको सर्व करूँगी। नमक आपको टेस्ट करना हो तो आप नमक टेस्ट करके इसमें और डाल सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बाज़ार में अवेलेबल है, ये पार्सले हैं और ये बेजिल है, इस तरह से मिल जाते हैं। अब जो हमने एकदम प्लेन रायता इसमें से निकाला हर्ब्स का, उसको हम बेजिल के पत्ते और पार्सले से गार्निश कर देते हैं। एक तो हमारा ये रायता तैयार है, अब हम दूसरा तैयार करेंगे। बाकी में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, मैं इसको कम कर लेती हूँ, अभी मुझे एक ही पोर्शन बनाना है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। अब इसमें जाएगा ये फ्रोजन कॉर्न है, यदि आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल जो कॉर्न है उसको उबाल के ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मकई के दाने कॉर्न, दो टीस्पून करीब प्याज है बारीक कटी हुई, यदि आप प्याज नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं।
और यहाँ पर प्याज का हरा भाग उसका टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर। तो एक बिल्कुल प्लेन रायता हो गया और एक हमारा कॉर्न प्याज का हर्ब्स रायता हो गया। अब इसको सर्व करते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आगे मैं जो भी वीडियोस लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। ऊपर से थोड़ी सी मैं इटालियन सीजनिंग डालूंगी इसमें। गार्निशिंग तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। कॉर्न के दाना, प्याज और ये पार्सले। तो ये हमारा कॉर्न अनियन वाला भी हर्ब्स वाला रायता तैयार है। तो लीजिए, हमारे ये दोनों रायते तैयार हैं। एक प्लेन रायता जिसमें हमने फ्रेश हर्ब्स और चीज़ का यूज़ किया है, और दूसरा हमारा रायता है जिसमें हमने कॉर्न और प्याज का यूज़ किया है। तो दोनों रायते हमारे ये तैयार हैं। थैंक यू।